हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी विद माइंड मैप। जी हाँ, देखिए, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो देखिए आज के टाइम की सबसे बड़ी अगर मैं कहूँ तो कोई क्रांतिकारी टेक्निक है तो देखिए वो माइंड मैप टेक्निक है। इस तकनीक के द्वारा बच्चे जो अपनी मेमोरी है उसको बूस्ट कर सकते हैं और जो उनको याद करने की क्षमता है, जो उनको दिमाग में कह सकते हैं कि कोई चीज़ ब्रेन में उनके में ज़्यादा दिन तक रहे, लॉन्ग टर्म रहे, तो उसके लिए माइंड मैप टेक्निक बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो देखिए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए मेरी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो रही हैं स्टडी टिप्स के लिए कि बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए कि बच्चे अपनी मेमोरी पर ध्यान दें और बच्चे कैसे अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो बच्चे और पेरेंट्स दोनों अपनाकर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं और अपनी जो लर्निंग स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो उसी की अगली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि आप माइंड मैप का सहारा लेके कैसे अपनी जो मेमोरी है और जो मार्क्स हैं उन दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, देखिए माइंड मैप क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी यानी या इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हाउ टू मेक माइंड मैप बनाना कैसे है एंड हाउ इट हेल्प एज मेमोरी बूस्टर, हमारी मेमोरी बूस्ट करने में ये कैसे हेल्प करता है। तो देखिए अगर आपके ये मन में भी ये सब सवाल हैं, आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और जो भी आपको अच्छे पॉइंट्स लगें आप उनको आराम से सुनते चलें और हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं कुछ मेन कीवर्ड्स के कि आपको ये माइंड मैप कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है व्हाट इज़ ए माइंड मैप। देखिए माइंड मैप है क्या, देखिए माइंड मैप है क्या, ये है एक ईजी वे टू ब्रेन स्टॉर्म थॉट्स ऑर्गेनिकली विदाउट वरिंग अबाउट ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर। देखिए आप सभी को पता है कि भैया बोलते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जी खाइए, ऑर्गेनिक ये खाइए, आपके बेनिफिशियल यानी जो चीज़ अपने आप में हो रही है यानी उसमें हम कुछ भी क्या है नेगेटिव चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। तो एक ऐसे टेक्निक है अपने दिमाग को बूस्ट करने के लिए, ब्रेन को कह सकते हैं बूस्ट करने के लिए, जिसके तहत थॉट्स जो हैं ओरिजिनली विदाउट वरिंग अबाउट ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और ऑर्डर का ध्यान ना करते हुए ये आपके ब्रेन को बूस्ट करने का काम करता है। इट अलाउज़ यू टू विजुअली स्ट्रक्चर योर आइडियाज़ टू हेल्प विद एनालिसिस एंड रिकॉल। ये आपको अलाउ करता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनको एनालाइज करें और रिकॉल करें, यानी आपको बहुत कम टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ए माइंड मैप इज़ ए डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटिंग टास्क, वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स और आइटम्स लिंक्ड टू एंड अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट। यानी इसमें क्या है, एक डायग्राम होता है और उस डायग्राम के आधार पर एक सेंट्रल सब्जेक्ट लेके हम डायग्राम बनाते हैं और उसके आसपास जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, टास्क हैं, वो उसके डायग्राम में हम डालते हैं। अब उस डायग्राम के फायदे क्या होते हैं वो भी हम अवश्य देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए अगर जैसे माइंड मैप है तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो देखिए आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मेमोराइज़ करना है इम्पोर्टेंट्स नोट्स को, डिज़ाइनिंग मेमोरेबल आर्टिस्टिक एंड पिक्चर फॉर्म में, यानी ये आप इसको जस्ट देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, वाई वी नीड माइंड मैप, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और अगर हम माइंड मैप का उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से ये चीज़ बता सकता हूँ, ईजी टू रेफ़र ड्यूरिंग एग्ज़ाम। देखिए एग्ज़ाम टाइम में आपको रेफ़र करने में, रिकॉल करने में, याद करने में कह सकते हैं बहुत ही आसानी रहेगी। केवल एक पेज, वन पेज टू रिकॉल, सारी चीज़ आपको याद आ जाएंगी, पूरे चैप्टर में क्या क्या। देखिए आपका चैप्टर मान लीजिए कि 20 पेज का है, 10 पेज का है, कितना बड़ा आपका चैप्टर है, उसके रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपके एक पेज में यहाँ पूरी समाप्त हो जाती हैं। तो उस एक पेज से आपको पूरे चैप्टर का सारांश मिल जाता है यहाँ पर। वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है बनाने में भी और याद करने में भी एंड लास्ट में रिकॉल करने में भी। नो
बोरिंग ऑफ ब्रेन। देखिए इसमें क्या, ब्रेन बोर नहीं होता है बल्कि ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है और आदमी इसके लिए कहते हैं बोर भी नहीं होता है। वेरी लेस रिकॉल टाइम, जब हम इसको रिकॉल करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, किस चीज़ों को याद करना चाहते हैं, तो देखिए हम आराम से विजुअलाइज़ करके इसको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, और इसके भी बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में। अब देखिए बात आती है कि इज़ माइंड मैपिंग इफेक्टिव। देखिए ये सब ने बात की, तो देखिए माइंड मैपिंग इफेक्टिव क्यों है। देखिए अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ कहती है कि जो माइंड मैप का यूज़ करते हैं उनके जो ग्रेड्स हैं 12% तक बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगर मार्क्स के लेवल पर देखें तो भी यहाँ बेनिफिट है। मेमोरी की मैंने आप बात बताई दी है कि मेमोरी और रिकॉल के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ ऑल्सो प्रूवन दैट माइंड मैपिंग इज़ हेल्पफुल फॉर डिसलेक्सिक्स एंड ऑटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। देखिए जो बच्चे इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, देखिए उनके लिए भी कह सकते हैं कि ये जो टेक्निक है बहुत ही कारगर साबित होती है। अब देखिए मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था यूज़ ऑफ राइट ब्रेन। देखिए आपको अपने राइट ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ करना है और ये जो माइंड मैप टेक्निक है ये आपको आपके राइट ब्रेन का यूज़ करना सिखाती है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए राइट ब्रेन क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, जो राइट ब्रेन है वो हमारा क्रिएटिविटी, सिंबल्स, इमोशंस, कलर्स, इन सब चीज़ों को याद रखता है और इन सब चीज़ों को अपने अंदर समा के रखता है। देखिए हमारा मैक्सिमम जो हिस्सा है अगर मैं कहूँ तो देखिए यूज़ होता है 90% हमारा लेफ्ट ब्रेन, और जो ये एक तरह से टेम्प्रेरी मेमोरी के रूप में काम करता है। जो हमारा राइट ब्रेन है ये 10% ही यूज़ होता है लेकिन ये परमानेंट मेमोरी के रूप में काम करता है। देखिए आपने कोई मूवी देखी 10 साल पहले, आपको उसका सीन आज भी याद है। कोई गाना 15 साल पहले सुना, आज वो गाना आपके सामने चलने लगे, आप साथ में गुनगुनाने लगोगे। आपके कोई इमोशंस हैं, कोई फीलिंग्स हैं, कोई आपके दोस्त हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जो 10 साल 20 साल पहले आपको मिले थे, आपके साथ कुछ उनके साथ घटना हुई, तो आप इन इमोशंस को याद करके अभी भी उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो यानी जो भी कलरफुल चीज़ें हैं, जो भी इमेज के रूप में बच्चों को दिखाया जाता है, जो भी बच्चों को वीडियो फॉर्म में दिखाया जाता है, ये सब चीज़ें याद रखना, कह सकते हैं सारी चीज़ें हमारे राइट ब्रेन में सेव होती हैं और इनसे हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी है या रिकॉल करने की जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो माइंड मैप में हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको राइट ब्रेन का यूज़ मैक्सिमम करना है। 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैपिंग। देखिए आपको माइंड मैप बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यानी आप यहाँ से लगा सकते हैं कि माइंड मैप आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है। द मेन आइडिया और सब्जेक्ट और फोकस इज क्रिस्टलाइज्ड इन ए सेंटर इमेज। सेंटर इमेज में आपको क्या है, यहाँ पर एक जो सब्जेक्ट है या मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसको बनाना है। द मेन थीम रेडिएट फ्रॉम द सेंटर इमेज एज ब्रांचेस। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, मेन थीम है, यहाँ पे आपने अपना मेन थीम लिख दिया, इसके आसपास आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, इसकी ब्रांचेस आप बना सकते हैं इस टाइप से। द मेन थीम रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल इमेज एज ब्रांचेस। द ब्रांचेस कंप्राइजेज एज ए कीवर्ड की इमेज। अगर यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ हमारा पॉइंट है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो एज ए इमेज के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में और डिफरेंट कलर्स में, या कोई भी फोटोग्राफ चिपका के जो हमारे मेमोरी में आसानी से लिंक हो जाए, एसोसिएट हो जाए। टॉपिक्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस आर रिप्रेजेंटेड एज ट्विक्स ऑफ द रिलेवेंट ब्रांच। कोई ब्रांच है, ये ब्रांच थी इसकी, तो इससे कोई कम इंपॉर्टेंट का पॉइंट है तो यहाँ पे आप छोटी सी इसमें ट्विक्स लगा के भी उसको लिख सकते हैं, जो आपको एक तरह से पूरा का पूरा ये याद आ जाएगा बाद में। द ब्रांचेस फॉर्म ए कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यूज़ डिफरेंट कलर्स, कलरफुल चीज़ों को यूज़ करना, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट ब्रेन का यूज़ हमें करवाना है तो उसके लिए पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं हम, सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन, इन सब चीज़ों का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इमोशंस का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं बनाने में। तो देखिए आपके सामने एक यहाँ पर माइंड मैप लेके आया हूँ, जो बेसिक माइंड मैप की आपको माइंड मैप कैसे बनाना है। तो जो भी देखिए मेन आइडिया है आपका, मेन थीम है, सब्जेक्ट है, वो मेन सब्जेक्ट आपको सेंटर में बनाना है और उसके चारों तरफ निकाल देनी है आपको इसकी ब्रांचेस। जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे
उसके आपको अपने टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट होंगे उस आधार पे आपका ये ब्रेन माइंड मैप तैयार हो जाएगा। अब हम अगला इसी उसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया गया है, यहाँ माई माइंड मैप है, हमारे पास कोई दिमाग में आइडिया आया, ये मेन आइडिया है, ये सेकंड आइडिया, थर्ड आइडिया, फोर्थ आइडिया, यहाँ पर ये सब आइडिया आपके सामने आते हैं, तो आप इनको इससे लिंक कर सकते हैं। अब इस आइडिया में क्या क्या है ये भी लिंक कर सकते हैं, इस आइडिया में क्या क्या आया ये भी लिंक कर सकते हैं, इस आइडिया में क्या आया ये भी आप लिंक कर सकते हैं, और ये आपके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, ये आपके एक तरह से वो हैं जो लेसर इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, लेकिन आपको याद आ जाएगा फर्स्ट आइडिया में मेरे, जैसे ही आप इसको बनाओगे एक बार इसको जस्ट देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ पहले आइडिया में ओके, क्योंकि मैसेज का यहाँ पर देखिए सिंबल बना हुआ है, मैप का बना हुआ है, मैसेज का, ये सब चीज़ें जो आपके सामने बनी हुई हैं ये सब चीज़ें उस टाइम आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक फाइनली माइंड मैप देख रहे हैं, यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड एक माइंड मैप बनाया गया। देखिए ये सब चीज़ें तो वो हैं जो आप नॉर्मली देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी किताब में, तो देखिए वो किसी थीम के ऊपर आधारित होता है, उस थीम से बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं, और बहुत सारे स्कूल्स में देखिए माइंड मैप के थ्रू पढ़ाना शुरू भी कर दिया गया है, और बच्चों में वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट देखा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मेन थीम जो थी सेंटर में कर दिया, उसके बाद में एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, कुछ एम्फीबियंस डाल दिया, रेप्टाइल्स डाल दिया, मैमल्स डाल दिए, और उसके बाद में ये क्या क्या है सामने उसने इनकी इमेजेस ये सब भी डाल दी, तो ये क्या है बाद में रिकॉल करने में बड़ा आसान हो जाएगा जब आप एक बार इसको बनाओगे बड़ा अपने हाथ से। फिर बनाने के बाद आपको जब सेकंड टाइम या मैं कहूँ थर्ड टाइम जब आप इसको बनाने बैठोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन 5 मिनट्स आप इसको स्टेप बाई स्टेप सेम ऐसा ही बना देंगे और आपका हाथ अपने आप चलेगा। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको भी ये तरीका अपनाना है, तो देखिए आप इस तरीके को किसी भी चैप्टर पे अपनाइए, और फिर देखिए दो बार करने के बाद आपका हाथ अपने आप चलेगा, और जब आप इसको याद करोगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई आपसे पूछेगा, तो जस्ट अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, पूरा डायग्राम भी आपके सामने आपको दिखने लगेगा। तो देखिए माइंड मैप शुड ओनली कॉन्टेन कीवर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेस ऑन ईच ब्रांच। देखिए सिंपल कीवर्ड्स आपको यूज़ करनी है, यानी कि माइंड मैप में भी आपने पूरा भर दिया है एक पेज दो पेज सिंपल कीवर्ड्स, क्योंकि आपको देखा होगा कि कभी कभी एग्ज़ाम में आपका बहुत लंबा क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट्स के बाद में जैसे 5 पॉइंट हैं तो हर पॉइंट में 4 से लेकर 6 लाइन तक लिखनी होती है, लेकिन हम एग्ज़ाम में वो पॉइंट ही भूल जाते हैं, अंदर का तो हमें सब याद रह जाता है, जैसे ही पॉइंट याद आएगा अंदर का डाटा अपने आप हमारे रिकॉल हो जाएगा, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे डालने हैं, तो वो पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, जैसे ही वो पॉइंट्स याद होंगे आपका डाटा अंदर वाला अपने आप आपको याद आ जाएगा कि इससे जुड़ी हुई एसोसिएटिव चीज़ें ये वाली हैं। तो माइंड मैप शुड ओनली कॉन्टेन कीवर्ड्स एंड शॉर्ट फ्रेजेज ऑन ईच ब्रांच। दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन टू रिमेंबर इज प्रॉम्प्टेड बाई शॉर्ट मेमोरेबल वर्ड्स विद मीनिंग, यानी आपको बहुत छोटे वर्ड्स के यूज़ करना है, नो रीम्स ऑफ नोट्स दैट ब्लर इनटू वन, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं डालनी है जो आपको ईजीली याद ना हो, यानी मेन चीज़ है कि बहुत शॉर्ट होना चाहिए एंड क्रिस्प होना चाहिए। माइंड मैप्स प्रमोट एसोसिएशंस एंड कनेक्शंस, एसोसिएशन और कनेक्शंस से जुड़ के माइंड मैप बनना चाहिए। माइंड मैप्स नॉट ओनली एनकरेज अस टू मेक एसोसिएशंस टू जनरेट मोर क्रिएटिव आइडियाज, बट द कनेक्शंस बिटवीन योर आइडिया विल ऑल्सो बी लेड आउट क्लियरली ऑन द पेज एज ए विजुअल रिमाइंडर। यानी देखिए आपको क्या करना है, एसोसिएट करके चलना है, चीज़ों को जोड़ के चलना है। आपको मान के चलिए कि आपको कोई डेट याद करनी है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक डेट है 23 मई, आपको ये डेट याद करनी है किसी रीजन से, तो आप देखिए 23 मई को कोई आपके आस पास कोई ऐसा डेट तो नहीं है, जैसे किसी का बर्थडे हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, या कुछ इस टाइप की चीज़ें जो आपकी कह सकते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं ये लिंक करता हो, तो आप इस चीज़ को उस डेट के आधार पर लिंक कर लेंगे, तो देखिए आप बहुत आसानी से कभी भी उसको रिकॉल कर सकते हैं, जैसे ही आपके सामने वो डेट आएगी अरे आज तो वो वाला दिन है, तुरंत आपको याद आ जाएगा। यानी एसोसिएट करना है, चीज़ों को लिंक करके चलना है। माइंड मैप्स यूज कलर एंड इमेजेस विच स्टिमुलेट योर इमेजिनेशंस। देखिए कलर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, जिससे आपके क्या है इमेजिनेशन होती है उसको पावर मिलती है। इन फैक्ट इमेज आर क्विक फॉर द ब्रेन टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड, दस मेकिंग इट ईजियर टू रिमेंबर। सो इफ यू लिंक एन इमेज टू ए कीवर्ड और फ्रेज इन योर मैप, यू विल रिमेंबर इट बाई एसोसिएशन। As mind maps are very full of different colors, images, symbols, they will certainly get your imaginative
जूसेस गोइंग। अब देखिए सब चीज़ हमने देख ली है, अब हम बात करेंगे कि ये हमारी मेमोरी को जो बूस्ट करता है वो कैसे बूस्ट करता है। देखिए मेमोरी जो है एक ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें नेचुरल कैपेबिलिटी है हमारी कि भाई हम ये मेमोरी लेके पैदा हुए हैं ऐसे ही लेके मर जाएंगे। ये क्या है, एक स्किल है दैट कैन बी इम्प्रूव। मेमोरी जो है हमारी एक स्किल है, दक्षता है, प्रोफिशंसी है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है एंड मस्ट बी प्रैक्टिस्ड जस्ट लाइक एनी अदर मेंटल स्किल। जो भी हमारी मेंटल स्किल है उस आधार पर उसी तरह से इसको क्या आप कहते हैं प्रैक्टिस किया जा सकता है, प्रैक्टिस से आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन क्लेम्ड टू बूस्ट मेमोरी फ्रॉम ईटिंग द राइट फूड टू डूइंग एक्सरसाइज। देखिए आप खाना खा के रेगुलर एक्सरसाइज करके भी अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। हाउएवर बेटर मेमोराइजेशन कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू ए मैथड। लेकिन अगर आप बेटर मेमोराइजेशन टेक्निक चाहते हैं तो देखिए उसके लिए क्या है, एक मेथड है जो लिंक है बेस्ड है एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन पर, यानी आपको इमेजिन करना है वो दो चीज़ों को लिंक करना है, एसोसिएट करना है, फिर बाद में इमेजिन करना है, तो उस आधार पे आपको बहुत आसानी से आपकी मेमोरी बढ़ सकती है। एंड द माइंड मैप इज़ द परफेक्ट टूल टू हेल्प यू अचीव दिस। और देखिए ऐसा माइंड मैप करने से बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, यही तरीका है देखिए माइंड मैप का जो आप इन सब टेक्निक्स के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू लर्न दैट कैन इम्प्रूव मेमोरीज एसोसिएशन। देखिए चीज़ों को लिंक करना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसी डेट को याद करना है, किसी मंथ को याद करना है, किसी लोकेशन को याद करना है, तो देखिए आप अपने आप को उससे जोड़ लीजिए तो आप बहुत आसानी से उसको रिकॉल कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज ए यूजफुल स्किल टू डेवलप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अगर आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है तो देखिए अपनी जो स्किल है इमेजिनेशन की, सोचिए उसके बारे में, पहले एसोसिएट कीजिए चीज़ों को, लिंक कीजिए, फिर उनको इमेजिन कीजिए। जैसे ही आप ये दो काम कर लेंगे आप माइंड मैप की पूरी जो टेक्निक है उसका लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ दिला सकता हूँ, मैंने खुद इसको एक्चुअली कह सकता हूँ फील किया है और देखा है कि जो माइंड मैप का यूज़ करते हैं बच्चे या जिस स्कूल में माइंड मैप का यूज़ किया जाता है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो नॉर्मल स्कूलों से या दूसरे स्कूल जो हैं जहाँ पर माइंड मैप का यूज़ नहीं किया जाता है देखिए काफ़ी बेटर रिजल्ट्स होते हैं और आप अपने बच्चों में अपने घर बैठे भी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि माइंड मैप क्या है, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और आप माइंड मैप कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के स्कूल में जाकर टीचर्स से भी डिस्कस करते हैं कि सर अगर माइंड मैप का यूज़ हम करें बच्चों के लिए तो कुछ बेटर हो सकता है, क्या आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं, क्या स्कूल में माइंड मैप का यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें अपने टीचर्स को बताएं, जिससे क्या है एक यहाँ वहाँ पर भी टीचर्स के बीच में आपस में डिस्कशन होगा और उनको भी लगेगा कि हाँ इट इज़ बेटर, तो देखिए वो आपके बच्चों को भी स्कूल में इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।